हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 का हिंदी विषय का एक ऐसे पेपर लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इस पेपर में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और परीक्षा में आने के बाद में इन्हें अच्छे से कर आएँ और अपने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लें। ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पेपर आपका 80 नंबर का होता है और इसे करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और पहला प्रश्न आपका पेशेज का आता है, गद्यांश का आता है। इसमें है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, गद्यांश आपका किसी व्यक्ति के बारे में आ सकता है या किसी स्थान या किसी समय के बारे में भी आ सकता है, किसी दुर्ग की इत्यादि के बारे में आ सकता है। गद्यांश का कोई भी आपको नहीं बता सकता है कौन सा आएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर ले, मतलब अच्छे से देख ले तरीका क्या होता है गद्यांश करने का। गद्यांश करने सबसे आसान तरीका होता है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ ले, एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़ लें और समझ ले इस प्रश्न में क्या कुछ बताया गया है, ठीक है। फिर प्रश्नों में जाने से पहले ही आप इसका एक उचित शीर्षक ढूंढ लें कि ये पेशेज किसके बारे में घूम रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पेशेज में एक शीर्षक ढूंढ लोगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि आपका पहला प्रश्न उचित शीर्षक का ही आता है। इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, ठीक है। इसका आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेज किसके बारे में है, उससे हिसाब से आप इसका शीर्षक लिख सकते हो। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होने की अधिकतम योग्यता रखती है और क्यों। तो इस प्रकार आप इन सभी का उत्तर इस प्रश्न से देखकर लिख सकते हो। और प्रश्न नंबर 6, 4 और 6 आपके पद्यांश के होते हैं, तो इसी में भी ऐसे ही करना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर प्रश्नों की तरफ जाओगे तो आपको एक उचित शीर्षक पूछ देगा, तो इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको इसका एक उचित शीर्षक सोच लेने के लिए किसके बारे में बात हो रही है, किसकी ज़्यादा बात हो रही है, तो वो आप शीर्षक सोच लोगे पहले ही। फिर प्रश्न की तरफ जाओगे, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो आप जो आपने सोचा होगा वो आप शीर्षक लिख दोगे, ठीक है। और फिर है प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या मांगा। प्रश्न नंबर 6 है, दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों का क्या उत्तर दिया। दोस्तों, इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो इन्हें पैसेज को, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए मुद्दों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें क्या है, यातायात सुरक्षा प्रस्तावना, यातायात नियमों के सामान्य नियम, यातायात नियमों के पालन से लाभ उपसंहार। इसमें क्या है, बढ़ती जनसंख्या विकट चुनौती। इसमें ए है प्रस्तावना, ब है जनसंख्या वृद्धि के कारण, स है बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, द है नियंत्रण के उपाय। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है आपके। और यातायात नियमों में बदलाव हुआ है तो ये भी आपका हो सकता आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार आपको इनमें से किसी एक पर करना है। और आपका इसके अलावा युवाओं पर आ सकता है एक निबंध, या इंटरनेट इत्यादि पर भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, दीवान पुस्तक भंडार नादौती को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकों का सूची पत्र एवं कमीशन आदि की जानकारी दी गई हो। दोस्तों, आप पत्र लिखने का तरीका अपनी पासबुक से देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अथवा में भी एक प्रश्न है, अपने आप को गणेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने हेतु एक पत्र लिखिए। या तो आप ये वाला कीजिए या आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 है, क्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। इसमें प्रश्न नंबर 10 है, कारक की सौधारण परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, काल के कितने भेद है लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसमें प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यह प्रणाली बदलना है, दही बहुत खट्टी है। दोस्तों, इनमें से आपके लगभग 5% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस पूरे पेपर में से आपको लगभग 70% तक पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।
मैंने बताया भाई, पेपर में से आपका लगभग बोर्ड का पेपर आता है, तो आप हमारे बताए गए प्रश्नों को अच्छे से तैयार जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। आंखों में धूल झोंकना, ईद का चांद होना। दोस्तों आप मुहावरे अच्छे से करके जाएं, इसका कुछ भी पता नहीं होता कौन सा आ जाए, अगर ये आ गए तो आप भी इसे कर सकते हो, ये 2 नंबर का आपको मुहावरा जरूर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, ऊँट के मुँह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। अब आपका खंड गह शुरू होता है, खंड गह में प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित पद्यांशों की सहप्रश्न व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको वैसे ही करना है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है और इसका आपको व्याख्या करनी है सहप्रश्न। इसमें आपको कवि का नाम और कविता का नाम भी लिखना है, या तो आप ऊपर वाली कीजिए, आप ये भी कर सकते हो। अब प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रश्न व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको सहप्रश्न व्याख्या करनी है, इसमें आपको देखना है कि ये कौन से लेखन से लिया गया है और उस हिसाब से आपको लेखक का नाम लिखते हुए इसकी व्याख्या कर देनी है। ये प्रश्न आपका 6 नंबर का है, या तो आप ये कीजिए या ये भी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइए। अगर आपके ये प्रश्न आ गए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। प्रश्न नंबर 19 है, उदो मन माने की बात, गोपियों ने उद्धव से ऐसा क्यों कहा। दोस्तों ये सभी प्रश्न नंबर 19 से सभी प्रश्न आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। अब इसमें तो प्रश्न है, प्रभो कविता के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। अब इसमें प्रश्न नंबर 20 है, ईश्वरिया और निंदा में क्या संबंध है, यदि ईश्वरिया न होती तो निंदा का क्या होता, सोचकर उत्तर दीजिए। इसमें अच्छा प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्की का खंडन शीर्षक निबंध का प्रतिपाद क्या है। दोस्तों ये किसी निबंध का प्रतिपाद क्या है, किसी कविता का सार लिखिए, किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है, कृष्ण ने बोली राधा को बातों से कैसे उलझा लिया। प्रश्न नंबर 22 है, जन्मजा प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। अब इसमें प्रश्न नंबर 24 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। इसमें प्रश्न नंबर 25 है, हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। इसमें प्रश्न नंबर 26 है, मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब प्रश्न 27 से 30 तक आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है और ये एक एक अंक है। प्रश्न नंबर 27 है, संत पीपा के गुरु कौन थे। प्रश्न नंबर 28 है, श्री दुल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 29 है, लक्ष्मीबाई की शैली कौन थी। प्रश्न नंबर 30 है, ईद किस महीने में आती थी। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न रत्नकारों का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि जीवन परिचय हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, इस प्रकार के प्रश्न आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप सभी प्रश्नों को देखकर जरूर जाएं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नांकित यातायात संकेतों का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको इनका अर्थ बताना है और ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो इस लेसन से आपका कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जरूर जाइए, काफ़ी इजी लेसन है। ठीक है दोस्तों, आपको कंप्लीट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखा दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लिए, ताकि अगर पेपर में ये प्रश्न आ गए तो आप सही लिखाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर फायदा उठा सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाकर तैयारी कर सके, ताकि वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाकर अपने परीक्षा में स्कोर प्राप्त कर सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।